चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीस में कहा गया है, जाह्नवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज उधार लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसे कितने उसके द्वारा कितने रुपये अदा किए जाने हैं। मतलब इसका कहना है कि जाह्नवी ने एक किसी से 1,25,000 रुपया लिया ब्याज पे, यानी वो मूलधन के रूप में कितना लिया, वो 1,25,000 रुपया उनका दर दिया हुआ कि 8% के दर से और समय है 2 वर्ष, तो कहता उनको वापस कितना करना पड़ेगा, यानी वापस करना पड़ेगा मतलब मूलधन और ब्याज जोड़ के उनको वापस करना पड़ेगा। देखिए कहता है जाह्नवी 1,25,000 रुपया लिया, रेट है 8% 2 वर्ष के लिए, तो कहता उनके द्वारा वापस कितना करना है। जब हम सब कोई ब्याज पर लेते हैं रुपया, तो जितना ब्याज लेते हैं उनको तो वापस करना ही होता है, उनके साथ साथ ब्याज में इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में जो होता है उनको भी वापस करना पड़ता है। तो उनको वापस क्या कैसे करते हैं, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के जितना रुपया होता है उतना वापस करते हैं। तो इनके लिए देखिएगा तो ब्याज तो मूलधन तो ये हो गया, ब्याज यानी साधारण ब्याज जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 यानी PRT/100। जब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा P×100+RT/100 प्राप्त होगा। क्या होगा, P×100+RT/100 प्राप्त होगा, और P का मान यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ 1,25,000 × RT, R गुना T का मतलब R दुना 16, 100+16 116/100। जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 125×116 कीजिएगा तो 1,45 आएगा, और यहाँ पे पूरा जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 1,45,000 आएगा, कितना आएगा 1,45,000 रुपया आपको उनको वापस करना होगा, यानी 1,45,000 क्या हो गया उनको वापस करना होगा, मिश्रधन होगा मतलब मूलधन प्लस ब्याज होगा। नहीं समझा ना, नहीं समझा, फिर से देखिए मूलधन लिए, कितना ब्याज पर लिए 1,25,000 रुपया 8% 2 वर्ष के लिए, वापस करना है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, फॉर्मूला P×100+RT/100, पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, टी का मतलब समय। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,45,000 रुपया वापस करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा, देखिए कहा गया इसमें एक फिगर दिया हुआ, ऐसे फिगर दिया हुआ। अब यहां जान लीजिए इस फिगर का नाम दिया गया PQR, क्या नाम दिया गया PQR, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है, इसका नाम दिया गया PQR, इसमें PQ का मान दे रहा है 6 सेंटीमीटर, QR का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कोण PQR, कोण PQR यानी एक कोण दे रखा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बात समझेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये त्रिभुज है PQR, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री सामने भुजा क्या होता है, ये भुजा 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, कर्ण रहा होता है दोनों भुजा के स्क्वायर का योगफल का अंडर रूट क्या होता है, कर्ण होता है, याद रखिएगा। चलिए अगर हमको हमसे यहाँ से कर्ण पूछा है तो हम लोग ध्यान दे सकते हैं, कर्ण क्या होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 और 100 का क्या होता है वर्गमूल होता है 10। चलिए अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 2 से काटिएगा 2 तिया 6 यानी 8 तक कितना 24। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा होता तो 1/2 आधार गुना होता है यानी कर्ण आधार गुना ऊंचाई, यानी ध्यान रखिएगा 1/2 कर्ण को छोड़ के बाकी भुजा गुणनफल, बाकी भुजा गुणनफल का आधा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी 8×6=48 और उसका आधा कितना होता है 24, इसका क्या होता है क्षेत्रफल होता है, क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है। अच्छा यहाँ से हम लोग एक बात और ध्यान रखें, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर आपसे पूछ देता है, समकोण त्रिभुज है ना, अगर आपसे ये समकोण त्रिभुज में पूछ दे ये भुजा 10 है ना, तो चलिए ये भुजा हम निकाल लेते हैं कितना है, ये भुजा कितना निकाले हम लोग, ये भुजा निकाले कितना 10, कितना निकाले भुजा 10। अब ध्यान रखिएगा ये 10 है, तो होता क्या है इसमें आपको समकोण त्रिभुज में अगर इसमें से पूछा होता है कि अंत
त्रिभुज के अंत वृत्त का त्रिज्या क्या पूछा होगा। अगर आपसे अंतर्वृत्त का त्रिज्या पूछा होगा, अंतर्वृत्त का त्रिज्या ध्यान रखिएगा ये दोनों भुजा का स्क्वायर, दोनों भुजा का योगफल माइनस कर बाय टू, यानी अगर ये करेंगे तो 6 + 8 और -10/2 यानी 8 × 6 = 14 में से 10 गया तो 8 × 6 = 14 में से 10 गया तो 4 × 4/2 कितना 2। ये अंतर्वृत्त का अगर त्रिज्या पूछा होगा तो कितना होगा 2 होगा। इसी में अगर बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछा होता, बाह्य वृत्त का अगर आपसे त्रिज्या पूछा होता तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या होता है कर्ण के आधा के बराबर, कर्ण के आधा के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा ये एक्स्ट्रा फेथ एक्स्ट्रा बात मैंने बता रखा हूँ, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, कर्ण को छोड़ के बाकी भुजा गुणनफल का आधा होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है। अगर अंतर्वृत्त का त्रिज्या पूछता है दोनों भुजा को जोड़ दीजिए कर्ण घटा के आधा कर दीजिए तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कर्ण के आधा के बराबर कीजिएगा तो यह आएगा बाह्य वृत्त का त्रिज्या। तो हम लोग समकोण त्रिभुज से इतना बात जाने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाया हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाया हाथ से लिखते हैं, 2 लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी हाथ से नहीं लिखते हैं। चलिए इस फिगर को भी अगर समझ लीजिएगा तो बड़ा आसान होगा समझ बनाने में। चलिए फिगर यहाँ इसके लिए बनाते हैं, एक फिगर ये देख लीजिए, ये फिगर है यहाँ पे, अगर समझ लीजिएगा तो बहुत आसान, नहीं समझिएगा तो बहुत भारी। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या कॉमन है दोनों में है। अच्छा ये इस फिगर को मान लेते हैं दायां हाथ वाला जो दायां हाथ लिखता है, इस फिगर को मान लेते हैं जो बायां हाथ से लिखता है उनको। अच्छा दायां हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या दिया हुआ कितना 18, बायां हाथ से लिखता है उनकी दिया हुआ कितना 26, और दोनों हाथ से लिखता है संख्या कितना 2। दायां हाथ से 18 लोग लिखते हैं, बायां हाथ से 26 लोग लिखते हैं, नहीं लिखने वाला की संख्या यहाँ दे देते हैं नहीं कुछ, तो क्या है एक्स है। चलिए देखिए अच्छा दायां हाथ से लिखता है कितना 18 लोग, ये 18 लोग में से 2 लोग ऐसे हैं जो बायां हाथ से भी लिखते हैं, तो सिर्फ दायां हाथ से कितने लोग लिखते हैं तो 18 - 2 यानी कितना 16 लोग। फिर से सुनिए ये दायां हाथ से लिखने वाले लोगों कितना है 18, 18 में से 2 लोग ऐसे हैं जो बायां हाथ से भी लिखते हैं, इसका मतलब सिर्फ दायां हाथ से लिखने वाले कितना है 18 - 2 = 16। फिर से सुनिए आपके अब बायां हाथ से लिखने वाले किससे सुनिएगा, बायां हाथ से लिखने वाले लोगों की संख्या कितना है तो यहाँ बायां हाथ से लिखने वाले संख्या कितना है 26, 26 में से 2 लोग ऐसे हैं जो दायां हाथ से भी लिखते हैं, इसका मतलब कि सिर्फ बायां हाथ से लिखने वाले कितना है 26 - 24। सुनिए सिर्फ दायां हाथ से लिखते कितना है तो 16, सिर्फ बायां हाथ से कितना है 24, दोनों हाथ से लिखते हैं कितना 2, कोई भी हाथ से नहीं लिखने वाला कितना है एक्स। और आपको दिया हुआ यहाँ पे कुल लोग कितना है, जो कुल है वो कुल दिया हुआ कितना है 50 है, तो 50 में से 16 ये 2, तो 16 × 2 = 18, 18 + 24, 18 और 24 होता है कितना 42 लोग। 42 लोग ऐसे हैं जो या तो दायां हाथ से लिखते हैं या बायां हाथ से लिखते हैं, तो बाकी जो बचा 42 में से बाकी कितना बचा 50 था, 42 लिखते हैं, 8 जो लोग बचा वही लोग ऐसे हैं जो कोई हाथ से भी नहीं लिखते हैं। फिर से 16 × 2 = 24, 42 लोग हैं जो दायां या बायां हाथ किसी न किसी हाथ से लिखते हैं, मतलब 50 में से 42 लोग किसी न किसी हाथ से लिखते हैं, तो क्या 8 लोग ऐसे होंगे जो कोई न कोई हाथ से मतलब किसी न किसी भी हाथ से नहीं लिखते हैं, तो वही आपका आंसर कितना होगा 8 लोग हैं। चलिए इनको समझ गया, ध्यान किधर है इधर देखिए फिर से, ये गोला दायां हाथ से लिखने वाला, ये गोला बायां हाथ से लिखने वाला, अब इसमें दायां से लिखता है 18, बायां से लिखता है 26, दोनों से लिखता है 2, अब दायां से लिखता है 2, दायां से लिखने वाला 18 होगा, 18 में 2 कैसा है जो बायां से लिखता है, तो सिर्फ दायां से लिखने वाला कितना है 16, बायां से लिखता है 26,
26 में से ऐसा दो गो लोग है जो क्या करते दोनों आंस लिखता है, इसका मतलब 24 लोग सिर्फ बाएं आंस लिखता है, मतलब नहीं लिखने वाला क्या गो है, इनको जोड़ते हैं तो होता है 42 लोग। 42 गो लोग ऐसा है कि जो दाया या बाया किसी न किसी हाथ से लिखते हैं, मतलब 8 गो लोग ऐसे हैं जो कोई हाथ से लिखते ही नहीं है। चलिए ऐसा ही फिर से क्वेश्चन एक और है, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है 50 छात्र है, कुल छात्र कितना है 50 गो है, 24 छात्र दूध पीता है, 28 गो छात्र चाय पीते हैं, 8 गो छात्र कहता कुछ पीते ही नहीं है, तो कितने छात्र है जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। चलिए इनको समझते हैं एक बार, देखिए बढ़िया से, ये देखिए ये फिगर बन गया, देख लीजिए बन गया भैया बन गया, कौन सा ट्रिक नहीं। देखिए टोटल छात्र कितना, तो कुल कहा गया कितना है कुल, तो कुल है इसमें 54 गो, कितना 54 गो। अच्छा ये बताइए 24 गो दूध पीते हैं, जब 24 गो दूध पीते हैं तो नहीं पीने वाला कितना है, 24 गो दूध पीते हैं तो दूध नहीं पीने वाला कितना है, तो दूध नहीं वाला कितना है, तो 24 घटा देते हैं इसमें से, तो 24 में से कितना 30 को जो है कि दूध नहीं पीते हैं। फिर से देखिए चाय पीते हैं कितना, तो इसमें कहा गया है चाय पीता है कितना 28 को चाय पीता है, तो चाय नहीं पीता है कितना 28 को में से 28, और चाय नहीं पीता है तो नहीं पीता है कितना 26 को, 26 को। अब देखिए दूध नहीं पीता है 30 को, चाय नहीं पीता है 26 को, और 8 को छात्र है ऐसा क्या जो दूध और चाय कुछ नहीं पीता है, तो कितना छात्र है जो कुछ ना कुछ पीता है। देखिए फिर से दूध पीता है, दूध नहीं पीता है 30 को, चाय नहीं पीता है 26 को, 8 को छात्र है जो कुछ नहीं पीता है, यहाँ पे कौन जो पीता होगा एक्स। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, अब देखिए दूध नहीं पीने वाला कितना है, टोटल है इसमें से 30 गो, जो 30 गो उसमें से क्या है 8 गो ऐसा है जो कि चाय भी नहीं पीता है, इसका मतलब सिर्फ दूध पीता है क्या गो छात्र 22 गो। फिर से चाय नहीं पीता है 26 गो, अब 26 गो से 8 गो छात्र ऐसा है जो दूध हो नहीं पीता है, इसका मतलब सिर्फ चाय नहीं पीने वाला छात्र की संख्या देखेंगे कितना है 18। अब फिर से जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो 22 8 30 30 18 30 और 18 48 48 को छात्र ऐसे हैं जो चाय दूध में से चाय और दूध नहीं पीने वाले हैं, मतलब 48 गो, तो बच गया कितना, तो बच गया 6 गो छात्र, 6 गो छात्र ऐसा है जो क्या करता है जो ये नहीं पीता है, इसका मतलब वो पीता है, इसका मतलब वो पीता है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बदल दिए, क्या कर दिए बदल दिए, जैसे 23 में क्वेश्चन बताए थे उसमें पीने वाला था यूज करने वाला था, यहाँ पे नहीं, हम ऐसा क्यों किए क्योंकि जो बीच वाला दिया हुआ है ना, तो बीच वाला दिया है कि जो यूज करता ही नहीं है, नहीं चाय पीता नहीं पी, नहीं नहीं पीने वाला, जब नहीं पीने वाला ये है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं पीने वाला निकाल लिए। वो निकाले कैसे, 54 को टोटल था उसमें से कहता है दूध पीने वाला था कितना, आपको इसमें दिया हुआ दूध पीने वाला 24, मतलब 24 घटा दिए तो आया 30, मतलब 30 को नहीं पीने वाला है। इसी तरह से चाय पीने वाला था 28 गो, 54 में से 28 गो चाय पीने वाला था, तो घटा दिए कितना 26 गो, चाय नहीं पीता है। अब ये नहीं पी रहा है, ये भी नहीं पी रहा है, ये भी नहीं, सभी आया नहीं पीने वाला, तो हमको बताना क्या हो गया, आसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में से अगला वीडियो फिर से मिलेगा, अगला क्वेश्चन फिर से मिलेगा, पुनः देखिएगा बढ़िया से समझिएगा, समझ जाएगा तो मैं तो आसान हूँ।